loan. Why loan is important? Why it is important? Why it is needed? क्यों चाहिए हमें loan? हर कोई loan के पीछे भागता है, ये loan, वो loan. क्यों चाहिए loan? क्यों जरूरी है हमारे लिए loan? चलो, so इस video के अंदर हम इसके बारे में discuss करते हैं कि कौन कौन से loan होते हैं और क्यों जरूरी है, why, क्यों है important, क्या ये हमारे लिए need भी है और important भी है. इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो आज हम लोन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी कि लोन लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कैसे मिलेगा हमें लोन और किस किस चीजों पे मिलेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन बहुत तरीके से मिल सकता है. लोन सबसे पहले एजुकेशन लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एक्सेट्रा, और भी बहुत तरीके के हमें लोन मिलते हैं. एजुकेशन लोन भी हम देखते हैं, कार लोन भी मिलता है हमें, हमें बिजनेस लोन भी मिलता है, और भी बहुत तरीके के लोन हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करता है. ये सारे के सारे लोन हमें प्रोवाइड करता है बैंक. यस, ये बैंक है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लोन. सो देखते हैं क्या है लोन, क्यों चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते ही हैं ताकि हमारी इनकम हो सके. हर कोई किस लिए काम करता है, इसके लिए मनी. हर किसी को मनी चाहिए. किसको अच्छी नहीं लगती मनी? हर किसी को अच्छी लगती है. हर किसी को पैसा चाहिए और पैसा के लिए हर कोई क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता है. हो सकता है कुछ की क्या हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होगा, सरकारी नौकरी होगी, और किसी के पास प्राइवेट नौकरी होगी, प्राइवेट काम कर रहा होगा, किसी का अपना खुद का बिजनेस होगा और कोई जॉब कर रहा होगा. तो हर किसी को पैसे की तो जरूरत होती ही है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो. अगर कोई छोटी दुकान वाला भी है, छोटी सी उसके पास शॉप है, छोटी सी दुकान है, अब वो चाहता है कि वो अपनी दुकान को और बड़ा कर ले और फेमस कर ले, लेकिन उसके पास ये चीज नहीं है, पैसे नहीं है, अब वो बेचारा क्या करे? वो जाएगा बैंक. बैंक में जाकर वो लोन ले सकता है. यस, अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है और उसको आप बड़ा करना चाहते हैं तब भी आपको लोन मिल सकता है. आप लोन ले सकते हैं तब भी. अगर आपके पास, अगर आप सोच रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ क्यों ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो आप तब भी जाकर बैंक ले सकते हैं, आपको लोन तब भी प्रोवाइड हो सकता है. अगर आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं. और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप लोन ले सकते हैं. लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है पैसा. पैसा ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है. पैसा ना होने के कारण क्या होता है, हमारा बिजनेस कभी कभी बंद भी हो जाता है. हाँ, तो उसके लिए पैसा भी जरूरी है हमें. और पैसा नहीं है तब भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो. हाँ जी, बिल्कुल सही. किसके द्वारा करोगे ये सब? ये सब आपको कौन हेल्प करेगा? ये सब करेगा बैंक. लोन आपको प्रोवाइड करेगा और आपको पैसा देगा. यस, सो चलो, अब आपको, पहले तो ये होता था कि बैंक में जाकर आप क्या करते थे, लोन लेते थे. अब मुद्रा योजना, जैसे कि अगर मैं मुद्रा योजना की बात करूं, मुद्रा योजना के अंदर क्या बताया गया, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो मुद्रा योजना में हमें क्या करना होता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है. आपको बैंक चलकर नहीं जाना. और आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, हम लोन फिर कैसे लेंगे, हम इसके
ऑनलाइन लोन दे सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन लोन। इसकी फैसिलिटी हमें मिल गई है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे। यस, तो अब देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, इसको आपको लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक एक करके देखते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक के पास गए, आप बैंक से जो है वो पैसा मांग रहे हैं कि भाई मेरे को अपना जो है वो बिजनेस खोलना है, सबसे पहले वो आपसे पर्पस पूछेंगे कि आपको क्यों पैसे चाहिए, क्यों चाहिए ये लोन। आप बताओगे कि मुझे ये वाला बिजनेस खोलना है, मैं ये बिजनेस खोलना चाहती हूँ। तो आप उनको क्या कर रहे हो, सबसे पहले बिजनेस प्लान, आप उनको अपने बिजनेस का प्लान बना रहे हो कि हाँ ये देखो मैंने ये सब सोचा है, इतने में क्या करूंगा, सेल्स करूंगा, इतने मेरा प्रॉफिट होगा। मैंने ये सब प्लानिंग कर रखी है कि मैं इतनी सेल्स करूंगा तो इतना मेरा प्रॉफिट होगा। ये सब मैंने प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। प्लान बताना होता है कि क्यों चाहिए आपको लोन, किस वजह से चाहिए। दूसरी चीज क्या है, स्कोर, कि आपका अगर पहले से कोई बिजनेस है तो आपका पहले क्या रिजल्ट था, क्या आप घाटे में थे, प्रॉफिट में थे या लॉस में थे। उसके बाद आपने दिखानी होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों दिखानी होती है, इसके अंदर आप ये बताओगे कि आपकी कमाइयां कहाँ कहाँ से आ रही हैं, आपकी कमाइयां कहाँ कहाँ से आ रही हैं और कितनी कमाइयां आ रही हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक देखेगा, भाई देखेगा ना कि आप लोन ले रहे हो तो चुका पाओगे या नहीं, इतनी कमाई आपके पास है या नहीं। उसके बाद हमारा आता है ITR, क्या आप ITR फिल करते भी हो या नहीं। उसके बाद हमारा आता है बैंक की स्टेटमेंट। बैंक की स्टेटमेंट में आपको क्या देना होगा, बैंक स्टेटमेंट्स में आपने पासबुक की फोटोकॉपी देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट्स में आप क्या दोगे, पासबुक की कॉपी, फोटोकॉपी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछेंगे कि जो अगर आपके पास पहले से जो बिजनेस है, क्या वो आपका बिजनेस रजिस्टर है या नहीं। रजिस्टर भी तो करवानी होती है ना अपनी फर्म को। अगर आपका फर्म जो है वो रजिस्टर है तो GST। अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं तो, और आपको हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये दोनों आपको देने होंगे ताकि पता चले कि आप कहाँ रहते हो, आपका कोई प्रूफ है भी या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी अगर आपको लोन लेना है। अगर आप पहले से भी, आपके पास शॉप है, पहले से ही कोई दुकान है, पहले से ही कोई बिजनेस है, तब भी आप लोन लेकर उसको बढ़ा सकते हो अगर आपने सोचा है तो। अगर आप नहीं कमाते, नहीं करते, नहीं है बिजनेस और शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है, आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे लोन्स जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें बैंक प्रोवाइड करता है। और आज की डेट में लोन लेना बहुत इजी हो गया है। आप इजीली इसका अमाउंट जो है वो 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, इतना आप इजीली ले सकते हैं लोन, ठीक है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।